आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का दैवासुर संपत्ति भाग योग का श्लोक 2 देखेंगे। पहले चरण से शुरू करते हैं। अहिंसा, ही के बाद है आधा न। एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। इसको हमने आधा न क्यों बोला? जब भी कोई भी अनुस्वार शब्द के बीच में या पहले वाले अक्षर पे आता है तो उसको क्या बोला जाता है? आधा न। ये चीज तो ही के बाद आधा न बोलो। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, आगे दूसरे शब्दों पे बढ़ते हैं। सत्य, ध्यान देना है। स आधा त और य पूरा है। जो अक्षर पूरा है उसमें अ मिक्स होना चाहिए। सत्य, सत्य, म। दोनों को साथ साथ नहीं बोलना है, डैश बीच में। सत्य, क्योंकि य भी पूरा है, म भी पूरा है, तो दोनों अक्षरों को पूरा करने के लिए उसमें अ आना चाहिए। सत्य, म। फिर इस पे देखेंगे, इस अक्षर को क्या है ये? क्रो। इधर ध्यान दें, क्रो। क्र कैसे होता है? आधा क और पूरा र। देखिए क्र कैसे लिखा हुआ है, आधा क और पूरा र। क के नीचे हलन तो दिख रहा है, ये चीज। क के नीचे यहाँ पे क्या है? हलन। इस क्र का मतलब क्या हुआ? आधा क और पूरा र। तो यहाँ पर अपने क्या लिखा हुआ? क्रो। तो क्रो में देखेंगे आधा क ऐसा कैसा, और र पे किसकी मात्रा लग गई? ओ की। क्या बोलेंगे इसको? क्रो। म, क्रो। ध और स, स के नीचे क्या दिख रहा है? हलंत। ये कोई भी अक्षर के नीचे इस तरह से मात्रा होती है ना, इसको बोलते हैं हलंत। म, क्रोधस। पहला चरण वापस ध्यान देंगे सब। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, म, क्रोधस। वापिस अहिंसा सत्यम क्रोधस। दूसरा चरण त्या, आधा त और या, त्या। ग, यहां पर क्या ध्यान देना है? ग पूरा है, जो भी अक्षर पूरा है उसमें अ आना चाहिए। त्याग, इसे बोलते हैं विसर्ग। ग में किसकी मात्रा है? अ की। आप बोलेंगे कैसे? हम बारकरी बोलते हैं ग गा गी गी, तो ग में किसकी मात्रा है? अ की। गा में आ की, तो इस तरह से ग में है अ की, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। त्याग ह, त्याग ह। शा, शा के बाद आधा न। शांति, शांति। र को देखिए अलग किया है, शांति र। जो भी अक्षर पूरा, बस रूल ध्यान रखना है कि उसमें अ आना चाहिए। र, इस पे ध्यान देंगे। प पर है ऐ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पई, पई, शु। र, पई, शु। न, और म पे वापस क्या गया? हलंत, तो नम। र, पई, शु, नम। वापस देखते हैं दूसरा चरण। त्यागः, शांति, रपई, शूनम। वापिस पहला चरण और दूसरा चरण जितनी बार रिवीजन हो उतनी बार आपको साथ साथ पढ़ना है, और गीता जी सामने होनी चाहिए। अहिंसा सत्य मक्रोधस, त्याग शांति रपई शूनम। तीसरा चरण दया, देखिए द पूरा है ना, तो हमने क्या बोला? एक तो बोलते दया, यहाँ पे क्या बोला? दया। देखिए द में अ है, डिफरेंस देखना है कि संस्कृत में कैसे बोलते हैं और हिंदी में कैसे बोलते हैं। हिंदी में आपको अ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको भी बोलते तो इसको आप बोलते त्याग हिंदी में, और संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? त्याग। वैसे इसको हिंदी में बोलते दया, और यहां बोलेंगे दया।
मतलब द में अ मिक्स किया, दया, भ पे किसकी मात्रा है ऊ की, भू बड़ी मात्रा है ना तो इसको उच्चारण में दीर्घ करना है, भू ते, फिर क्या है आधा श और पूरा व, इनको दोनों को साथ पढ़ेंगे श्व, भूतेश्व, भूतेश्व। आगे देखते हैं लोलुप, लोलुप के नीचे क्या है हलंत, मतलब आधा है, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है लोलुप, आधा त पूरा व, त्व और यहाँ है अनुस्वार, अनुस्वार पे बिंदी है आधे म की। आप वापस ध्यान देंगे, इधर बिंदी थी उसको हमने क्या पढ़ा था आधा न, अहिंसा बोला था, और यहाँ पर बोल रहे हैं म, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बिंदी शब्द के बीच में है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो उसको क्या बोलेंगे आधा न, और बिंदी यहाँ पर किसमें है लास्ट वाले अक्षर पे तो इसको बोलेंगे आधा म, त्वम, त्वम। तीसरा चरण वापस ध्यान देंगे, दया भूतेश्व लोलुप त्वम, एक बार वापस, दया भूतेश्व लोलुप त्वम। चौथा चरण माँ, इस पे देखें कैसा होता है, ये देखो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र, र के नीचे अलंत दिख रहा है आधा र और पूरा द, इस आधे अक्षर को अपने को किसके साथ पढ़ना है पूरे अक्षर के साथ। देखो इधर हम और अच्छे से समझते हैं, माँ हुआ, माँ दिख रहा है, अब ये मात्रा किसकी होती है आधे र, उधर लिख रखा है आधा र लिख दिया, फिर आधा रखा हो गया तो बचा क्या द, व और बिंदी, मार आधे को पूरी के साथ पढ़ लिया मार दवम, मार दवम, यहां ध्यान देना द भी पूरा है व भी पूरा है, मार दवम, ये किसकी बिंदी हो गई आधे म की, क्योंकि अक्षर के लास्ट अक्षर पे, शब्द के लास्ट अक्षर पे, मार दवम। इस पे ध्यान देंगे, ये ऐसे अक्षर देखते ही हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कैसे बोलना है, इसलिए इसका एक बार रूल देख लीजिए आप, ये रहा, इसको उधर देखें क्या लिख रखा है, ये ह ऐसे है यूं है, आप पहले एक बार क्र देखें, क्र में देखिए ये जो मात्रा है ना सीधी लाइन वही लाइन ह के अंदर है, दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ह तो आधा है, ये देखिए ये आधा है, अब आप सोच रहे हैं लिखा हुआ तो ऐसे ही दिख रहा है तो ये ह आधा कैसे हुआ, ये आधा है ही है, क्योंकि ह पूरा ऐसे होता है जब इसके अंदर मुड़ाव होता है ना तब ये पूरा ह होता है, और आधा होने के लिए ये हटा देते हैं, इसको हटा के इसकी जगह क्या लिया है ये वाली चीज, तो ये क्या बन गया आधा ह और पूरा र, पूरे र पे ई की मात्रा री। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किए जा रहे हैं ताकि आपको कभी और ऐसा अक्षर दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुने, आधा है और पूरा र है, र पे बड़ी ई की मात्रा लगाओ री, देखिए ह भी आ रहा है री, री र, री र, क्या बोलेंगे आधा है, जैसे क्रो बोला था ना क में र बोला था ना वैसे ही हमें र बोलना है, र और फिर ई की मात्रा लगानी है, तो री री, हरी कोई नहीं बोले री र, री र, र पूरा है ना री र। चा प पूरा, चाप, ल पूरा और ल के साथ आधा म, क्योंकि ल तो पूरा है लेकिन म क्या है आधा, आधे को पूरी के साथ पढ़ा लम, चापलम। चौथा चरण वापिस, मार्दवम रीर चापलम, एक बार वापिस, मार्दवम रीर चापलम। अब तीसरा चरण और चौथा चरण साथ में देखेंगे, दया भूतेश्व लोलुप त्वम, मार्दवम
रीरचापलम। पहले चरण से चौथा चरण देखिए, ये पहला, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, साथ में सभी को करना है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशूनम दया भूतेश्वलालुप्वम मार्दवम रीर चापलम। वापिस। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशूनम दया भूतेश्वलालुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। इस श्लोक का अर्थ तीसरे श्लोक के अर्थ के साथ, पहले श्लोक का अर्थ भी हमने नहीं देखा है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों एक दूसरे से मैच करेंगे, इसलिए हम कल जो श्लोक देखेंगे उसमें इस श्लोक का अर्थ देखेंगे।